सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड बनवाकर हर महीने पेंशन के तौर पर 3 से 4 हज़ार रुपए डायरेक्ट आपके खाते में आए। क्या आप भी चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड बनवा कर आप सरकारी योजनाओं का डायरेक्ट फायदा उठा सके? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी दी जा सके। इससे पहले, अगर आप लगातार सरकारी योजनाओं से भरपूर मात्रा में लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल मसाला न्यूज़ को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर आप एक कार्ड बनवाते हैं जिसका नाम ई श्रम कार्ड है तो आप सरकारी योजनाओं के सबसे बड़े लाभ का हकदार बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड बनवाने से जिसका नाम ई श्रम कार्ड है, आप हर महीने अपने खाते में 3,000 रुपए तक सरकार के द्वारा भेजे गए इन 3,000 रुपए का भरपूर मात्रा में लाभ उठा सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस अवसर का फायदा आपको 1 जनवरी 2022 से पूरी तरीके से हर महीने मिलना शुरू हो जाएगा। जी हां, जनवरी 2022 यानी कि सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे के बाद से ही ई श्रम कार्ड वालों की लिस्ट जारी की जाएगी और हर महीने कुछ लकी मजदूर होंगे जिनके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए तक डिपॉजिट करवाया जाएगा। बाकी सभी लोगों को 3,000 रुपए तक हर एक मजदूर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश मोदी सरकार के द्वारा की जा रही है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आप भी फटाफट से ई श्रम कार्ड बनवाइए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ये जान सके कि आपको कब और कैसे ई श्रम कार्ड का फायदा मिल सकता है। साथ ही अपने राज्य का नाम कमेंट में मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको ये जानकारी दी जा सके कि आपके राज्य में कब से कब तक इस अवसर को चलाया जाएगा। दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कभी भी इन चीजों को मिस ना कर पाए। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।